भाजपा बोकारो जिला द्वारा विधायक के आवासीय कार्यालय में आज सुनेता सह भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र महतो को के निधन पर प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने फोन के माध्यम से श्रद्धांजलि व परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त किया। वहीं भाजपा बोकारो जिला अध्यक्ष भरत यादव व विधायक बिरंची नारायण के साथ साथ सभी भाजपा के कार्यकर्ता गणों ने पुष्प अर्पित कर मौन रखा व उनके साथ अपने बिताए समय को सभी के समक्ष रखा व किया याद। जिला अध्यक्ष भरत यादव व विधायक बिरंची नारायण ने कहा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है उनकी आत्मा के स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। आज शोक समय व्यक्त करते करते मेरी आंख झिंगी हो गई थी, आंसू निकल पा रहे कि पुराने दिनों की स्मृतियां आज मैं सहेज करके रख रहा हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। श्री चरणों में समर्पित स्वर्गीय राजेंद्र महतो जी की श्रद्धांजलि सभा में मंचासीन झारखंड के विधानसभा के मुख्य सचेतक बोकारो के विधायक बिरंची नारायण जी, गर्मो के भावी विधायक बड़े भाई जोगेश्वर महतो पाटिल जी, हम लोगों के बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल रिया, जिले के उपाध्यक्ष कमलेश राय जी, हम लोगों के बड़े भाई और वरिष्ठ नेता अजीत महतो जी, भारतीय मजदूर संघ के नेतक और मित्र कृष्णा राय जी, जिले के कोषाध्यक्ष डॉक्टर श्रीवास्तव जी, राजेंद्र महतो जी के सहयोगी रहे और हम लोगों के किया है। यह शाश्वत सत्य है कि जो आया है उसे एक दिन जाना है, लेकिन स्मृति उसी की शेष रह जाती है जो संगठन के लिए कुछ किया हो, जो समाज के लिए कुछ किया हो। कौन व्यक्ति कितना दिन इस पृथ्वी पर है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कैसे रहा है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि वो चंद लोगों में से एक स्वर्गीय राजेंद्र महतो जी भी थे, यही कारण है कि आज यहाँ पर माननीय विधायक जी के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित होकर अपने अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी स्मृतियों का बयान कर रहे हैं। हम लोग भी उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी के अंदर एक दायित्ववान कार्यकर्ता बने, उसके पहले चुनावी कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते थे, चुनाव आता था लग जाते थे, लेकिन जब वो जिला अध्यक्ष थे तो हमको याद है कि पहली बार 1994 में प्रखंड का मंत्री, विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके जैसा व्यक्ति उन लोगों को छोड़ के चला जाएगा। और लेकिन यह शायद यही नियति है, यही ईश्वर को मंजूर था। इस अवसर पर तो हम यही कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और सचमुच में विधायक जी ने जो कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरा उनके परिवार के साथ खड़ा रहेगा, तो इससे लगता है कि इस परिवार में काम कर चुके लोगों के ऊपर या उनके परिवार के ऊपर जब भी इस तरह की विपत्ति आएगी तो सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा। और यह हमको लगता है कि यही चीज प्रेरणादायक भी है और दूसरे संगठनों से हमको अलग भी करता है, तो निश्चित रूप से उनके परिवार के साथ उन लोगों को खड़ा रहना चाहिए। अभी भी हम लोगों को नहीं महसूस होता है कि वो हमारे संगठन में नहीं थे, कहीं भी मिलने के बाद लगता था कि अभी भी वो हमारे नेता है, हमारे नेतृत्व तो करता है। ऐसा प्रभाव बहुत कम लोग छोड़ पाते हैं, उनमें से एक राजेंद्र जी थे। इस अवसर पर तो हम इतना ही कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष
श्रीमान भरत यादव जी, हमारे अभिभावक आदरणीय मुकुल भैया, पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय कमलेश राय जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अजीत भैया, बीएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फेडरेशन के हमारे भाई छोटे भाई मित्र कृष्णा राय जी, राजेंद्र भैया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले काम करने वाले ऐसे इंद्र कुमार झा जी, बड़े भाई सागर सिंह चौधरी जी, विश्वनाथ दत्ता जी, मुकेश राय जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री बहन ऋतु रानी सिंह जी, प्रगति शंकर जी, सभी मंडलों से आए मंडल अध्यक्षगण, सभी प्रमुख कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों, कार्यक्रम के संचालक संजय त्यागी जी ने बहुत विस्तार पूर्वक, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा उनके साथ काम करने का अनुभव संजय त्यागी जी का रहा है। कल परसों जब सूचना मिली कि राजेंद्र भैया हम लोग के बीच अब नहीं रहे, मैं बोकारो से बाहर था और कल देर रात मैं लौटा और संयोग से उस समय दाह संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी, तो मैं सीधा शमशान घाट पहुंचा, वहां जाकर अपनी श्रद्धा सुमन हमने अर्पित की। फिर आज सुबह हम लोगों ने आपस में बात की कि एक श्रद्धांजलि सभा जरूर आयोजित करनी चाहिए, क्योंकि बाटुल भैया ने जिन बातों को याद कराया, मैं आपको कहते हुए मुझे बहुत वो सारी बातें ताजा हो गई हैं। अजीत भैया संभवतः सेक्टर 3 के समरेश सिंह जी के क्वार्टर, जो उनका कार्यालय था वहां पर शायद अजीत भैया थे, इंदर भैया भी रहे होंगे, मुझे पूरी स्मृति नहीं आ रही है, 89 की बात, 89 के आसपास की बात है वो, लेकिन मुझे याद है कि मैं वहां था, राजेंद्र भैया भी थे, अखिलेश भैया भी थे और डॉक्टर प्रहलाद बर्नवाल जी थे, केडी सिंह जी थे, मधुसूदन सिंह जी थे, कई सीनियर लोग वहां मौजूद थे। और वहां पर जब समरेश दा ने कहा कि जिसको मेरे साथ रहना है मेरे साथ रहो, जिसको मेरे साथ नहीं रहना है वो जा सकता है अपने स्टाइल में, तो एक क्षण नहीं लगा और राजेंद्र भैया ने कदम बढ़ा दिया कि हम आपके साथ नहीं, हम पार्टी के साथ रहने वाले लोग हैं, हम भाजपा के साथ रहने वाले लोग हैं, ऐसा कर कहकर उन्होंने कदम बढ़ाया। और उसके बाद प्रहलाद जी, केडी सिंह जी, मधुसूदन सिंह जी, अजीत भैया, हम सारे लोग फिर चल दिए वहां से, एक क्षण भी हम लोग देर नहीं किए। तो मुझे वो सारी बातें लगभग 31-32 साल पुरानी वो बातें आज याद, पूरी कल परसों ताजा हो गई जब वो इस दुनिया से महाप्रयाण किए। मैं इस अवसर पर उन्हें अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, मित्रों की तरफ से, सभी बहनों और भाइयों की तरफ से जो यहाँ मौजूद हैं उनके तरफ से भी, और जो यहाँ नहीं आ पाए श्रद्धांजलि सभा में, पूरे विधानसभा क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता मित्रों की तरफ से भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके संघर्ष हमें याद है। हम लोगों ने कई विषय पर मतभिन्नताएं होती हैं राजनीति में, विचार उन्हें उनकी आत्मा को शांति दें और उनके इस महान दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार को, उनके मित्रों को इस दुख को सहने की शक्ति दे, ताकत दे। और हम इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से एक संदेश जरूर समाज को देंगे कि लोग रहे ना रहे, व्यक्ति रहे ना रहे, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। और लोग इस अवसर पर, इस दुख की घड़ी में, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार स्वर्गीय राजेंद्र भैया के परिवार के साथ एकदम हर सुख दुख में खड़ा है, भविष्य में भी खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। स्वर्गीय राजेंद्र भैया अमर रहे।